हेलो फ्रेंड्स, मायरो किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की इतनी स्वादिष्ट सब्जी कि आप बार बार खाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम करेले को ऐसे अच्छे से छील लेंगे। तो अभी हमने अच्छे से छील लिया है, तो अब हम ग्रेटर यानी कद्दूकस लेंगे और उसकी जो मोटी वाली साइड होती है ना, उसमें ऐसे कस लेंगे ताकि सारी इक्वल शेप आए और काफ़ी इजीली ये हमसे कट जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके की शेप आएंगी। तो ऐसे ही सारे हम काट लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सारे कट गए हैं, सारे एक ही शेप में हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक ताकि इसका जो कड़वापन है वो हमारा हट जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगले 1 घंटे के लिए इसको ढक करके छोड़ देंगे। तो देखिए 1 घंटा हो गया है और करेले ने पूरा पानी भी छोड़ दिया है इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम नॉर्मल वाटर डालेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाए। तो अभी हमने एक वॉश कर लिया है, एक वॉश और कर लेते हैं। तो इसको भी दोबारा अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसका भी सारा पानी निकाल लेते हैं। तो अभी ये अच्छे से वॉश हो गया है और अब हम इसमें से सारा पानी निकाल लेते हैं अच्छे से, और इसको ऐसे ही एक बर्तन में डाल देते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे करेले अच्छे से सूख गए हैं और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने लिए 2 मीडियम साइज़ के आलू जिनको लंबा लंबा हमने काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ, चुटकी भर चाट मसाला, अजवाइन और ये लहसुन की 2 फाँक। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 चम्मच सरसों का तेल और ये गरम हो गया है। तो सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो हमको आलू को गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना और इसको मीडियम आंच पर ही करना है। ये आलू हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम करेले को भी फ्राई कर लेंगे। तो अगले 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए 2 मिनट बाद ये करेले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अभी हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो अभी हम लेंगे कढ़ाई में तेल और उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच सौंफ, लहसुन और अब डालेंगे प्याज और इसको भून लेंगे हल्का हल्का सा। तो इसको भून लेते हैं, इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन हटाना है। तो अभी ये भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च जो हम घर में पीस के रखते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने करेला और आलू फ्राई करके रखे थे और इसको मिक्स कर लेंगे।
और साथ में इसमें डाल देंगे चाट मसाला। तो अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर पाउडर। इसको ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राइड है, तो बस इसको मिक्स कर लीजिए और ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये बनके तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ खाइए, आपको इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।